नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के कक्षा एक में पढ़ने वाली 6 साल की छात्रा की गले में पेंसिल का छिलका फंस जाने से मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक छिलका फंसने से बच्ची का दम घुट गया, जिसके चलते उसे जान चली गई थी। वहीं छात्रा मुंह में कटर फंसाकर पेंसिल छिलने की कोशिश कर रही थी। पेंसिल का छिलका गले में फंसने से उसके सांसें रुकने लगी और परिजन उसे बता दें कि CHC लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। छात्रा मुंह में कटर फंसाकर बता दें कि पेंसिल छिलने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद से छात्रा जो है वो मौत का शिकार हो गई। उसकी पेंसिल का छिलका उसके गले में फंस गया और इस दौरान डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के पहाड़ी वीर गांव की रहने वाली नंद किशोरी ने बताया है कि बुधवार शाम को उसने बच्चे छत पर पढ़ाई कर रहे थे, इसी दौरान वे होमवर्क कर रही थी बच्ची, और इस दौरान ही पेंसिल का जो कटर है उसने मुंह में दबा लिया और पेंसिल छीलने की कोशिश करने लगी, जिसके बाद से पेंसिल का छिलका उसके मुंह में फंस गया। हम बच्ची जो आई है वो अर्थिका नाम की बच्ची है, उसके पिता का नाम नंदकिशोर है और वो पहाड़ी वीर की रहने वाली है। बच्ची जो हमारे अस्पताल में आई वो मृत अवस्था में आई थी, उसके परिजन लेके आए थे और परिजनों ने बताया कि बच्ची जो है अपने भाई बहनों के साथ ऊपर छत पे पढ़ाई कर रही थी और पेंसिल छीलने के दौरान ये हादसा हुआ। पेंसिल और कटर जो है मुंह में चला गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और बाकी तो परिजनों ने कोई कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम नहीं कराया। यूपी के डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री लगातार स्वास्थ्य सेवा पर नजर रखे हुए हैं। वहीं हरदोई में स्वास्थ्य सेवा लाचार होती हुई नजर आ रही है। साथ ही हरदोई में एम्बुलेंस न मिलने से मरीज को परिजनों ने ठेले से अस्पताल पहुंचाया है। परिजनों ने महिला की हालत बिगड़ने के बाद से एम्बुलेंस को सूचना दी थी, लेकिन आरोप है कि 108 एम्बुलेंस को फोन करने के बाद भी एम्बुलेंस वहां नहीं पहुंच पाया। वहीं एम्बुलेंस न पहुंचने पर परिजनों ने महिला को ठेले पर लाद कर किसी तरह जिला अस्पताल पहुंचाया है, जिसके बाद से इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं इस मामले को लेकर किस तरीके से डॉक्टर अभी इलाज करते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरीके से इस मामले में बता दें आपको कि एम्बुलेंस सही समय पर नहीं पहुंचने पर आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से ठेले पर मरीज को लाद कर यहां अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। बता दें कि हरदोई की यह खबर है, जहां पर किस तरीके से ठेले पर मरीज को अस्पताल पहुंचाया गया है। और बता दें कि इस मामले पर तमाम जानकारी देने के लिए संवाददाता हरदोई से हमारे साथ मोहम्मद आसिफ जुड़ गए हैं। मोहम्मद, किस तरीके से यह मामला सामने आया है और ठेले पर मरीज को लाद कर अस्पताल पहुंचाया गया, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवा पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी, आपको बताना चाहूंगा, ये स्वास्थ्य मंत्री का गृह जनपद है बृजेश पाठक जी का। यहाँ आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है एक गंभीर हालत में एक मरीज जो है वो ठेलिया पे लेके जो है वो पहुंचा है जिला अस्पताल में इलाज कराने के लिए। एम्बुलेंस को वो फोन करता रहा, लेकिन 30 मिनट तक एम्बुलेंस नहीं आई। उसके बाद उसने ठेलिया पे उसको लाद कर और उसके बाद इमरजेंसी पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। जी आसिफ, इस दौरान परिजन का क्या कुछ कहना है? परिजनों का साफ तौर से कहना है कि एम्बुलेंस को फोन लगाया, काफी बार फोन लगाया, करीब 30 मिनट तक इंतजार भी करते रहे, लेकिन जब एम्बुलेंस नहीं पहुंची उसके बाद उसने जो है ठिलिया पर मरीज को लादा और लाद कर जो है इमरजेंसी ले गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा। जी आसिफ, जिस तरीके से एम्बुलेंस जो है वो कहीं ना कहीं मरीजों के लिए ही बनाया गया है और मरीजों के लिए ही वो उपलब्ध कराया गया है, लेकिन स्वास्थ्य सेवा की ये जो लाचार तस्वीर सामने आई है, यह कहीं ना कहीं डॉक्टर पर तो सवाल खड़े कर ही रही है, क्योंकि जिस तरीके से अस्पताल से ये एम्बुलेंस सही समय पर नहीं पहुँच पाया है, कहीं ना कहीं उस मरीज की जान पर भी बात आ सकती थी।
जी, अगर मरीज को ठेलिया से ना ले जाया जाता तो हो सकता है उसकी जान भी जा सकती थी। हालांकि स्वास्थ्य सेवाएं तो बदहाल ही हैं, जबकि यहाँ हरदोई में 3 मंत्री हैं, उन मंत्रियों के होने के बावजूद भी स्वास्थ्य सेवाएं जो है बेहाल देखने को मिल रही हैं, जिससे मरीज जो है ठेलिया पे लेके परिजन ठेलिया पे लेके मरीज को जिला अस्पताल पहुंचे जहाँ उसका इलाज किया जा रहा है। बिल्कुल आसिफ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि हरदोई की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से स्वास्थ्य सेवा की लाचवार तस्वीर सामने आई है। और इस दौरान मरीज को अस्पताल जब परिजनों ने पहुंचाया तो वो ठेले से पहुंचाते हुए नजर आए हैं। बता दें कि परिजनों का कहना है कि कई बार उन्होंने एम्बुलेंस को लेकर फोन किया है, लेकिन एम्बुलेंस सही समय पर नहीं पहुंच पाई, जिसके वजह से अंत में उन्हें ठेले पर मरीज को रखकर अस्पताल पहुंचाना पड़ा और अब मरीज का इलाज लगातार जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मथुरा के जिलाधिकारी कार्यालय पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला शिक्षक ने सुनवाई न होने के चलते जिलाधिकारी कार्यालय पर जिलाधिकारी को गिरफ्तार की मांग को लेकर जमकर हंगामा काटा। महिला का आरोप है कि महिला का सीनियरों द्वारा परेशान किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, लेकिन जिलाधिकारी सीनियर के प्रभाव के चलते महिला की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते महिला द्वारा जिलाधिकारी मथुरा पुलकित खरे से कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। इतना ही नहीं, महिला ने सुनवाई ना होने के चलते 112 नंबर पर कॉल कर डीएम को गिरफ्तार करने के साथ साथ ही डीएम कार्यालय पर पुलिस बुला ली है और साथ ही कार्यालय पहुंची और जहां पर पुलिस ने घंटों हंगामा जहां लगातार महिला पुलिस के सामने घंटों हंगामा काटती भी नजर आई है, वही महिला शिक्षक को समझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन महिला नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ी रही। बुलंदशहर के थाना गुलावठी के पुलिस द्वारा मुठभेड़ के बाद से क्रॉस फायरिंग में गैंगस्टर एक्ट में 2 सालों से वंचित चल रहे 25,000 रुपए का इनामी अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुठभेड़ के दौरान अपराधी घायल हो गया, जिसको लेकर पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं आरोपी के कब्जे से पुलिस ने अवैध हथियार और साथ ही कारतूस बरामद किए हैं। बुलंदशहर में डिपार्टमेंट ऑफ लेड, आपको बता दें कि रिसोर्स भारत सरकार के संज्ञान में एनआईसी को सौंपे गए भू अक्ष और साथ ही स्वामित्व के एकीकरण का प्रयाण परीक्षण के लिए तहसील सदर बुलंदशहर क्षेत्रातज्ञ ग्राम काजमपुर देवली और साथ ही मरगुबपुर को 2 राजस्व गांवों में भ्रमण किया गया। इसका उद्देश्य क्षेत्र की GPS को इकट्ठा करना और साथ ही सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा स्वामित्व के तहत स्थापित CORS के साथ ही इसके एकीकरण के परीक्षण करना है, जिससे परिणाम स्वरूप नवनीतन अत्याधुनिक तकनीक का उपलब्ध करके और साथ ही उच्चतम स्तर की सटीक के लिए भू संदर्भ प्राप्त होता है। इस संदर्भ में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह द्वारा ग्राम काजमपुर देवली में जाकर सर्वे टीम द्वारा एकत्र किए जा चुके हैं। हरदोई के जिला महिला अस्पताल में तैनात CMS के साथ ही डॉक्टर और साथी कर्मचारियों ने मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य पर अभद्रता करने के आरोप लगाकर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है और साथ ही कुछ देर के लिए काम बंद कर दिया है। मामले की सूचना पाकर CO सिटी नगर मजिस्ट्रेट पुलिस बल के साथ ही मौके पर पहुंचे और डॉक्टर से वार्ता की है। जिला महिला अस्पताल में भ्रमण पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए यह लोग जिला महिला अस्पताल की CMS के साथ ही चिकित्सक और साथ ही कर्मचारी है। जिला महिला अस्पताल की CMS डॉक्टर विनीता चतुर्वेदी ने बताया है कि मेडिकल कॉलेज के अधीन अब उनका जिला महिला अस्पताल है और मेडिकल कॉलेज में तैनात प्रिंसिपल का व्यवहार खराब है।
साथ ही उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है, साथ ही वेतन रोके जा रहे हैं और धमकी भी दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि सीएमएस को भी बिना किसी नोटिस के वेतन रोक दिया जाता है और हमें मानसिक रूप से भी परेशान किया जाता है, साथ ही अभद्रता करने देते हुए धमकी भी दी जा रही है। अगर आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा ईएमएस संघ कर्मचारी एवं अधिकारियों का उत्पीड़न लगातार किया जा रहा है, इसके विरोध में आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन आयोजित किया था और आए दिन ऐसी बातें हो जाती हैं जिनका हर तरह से खुलासा करना सही नहीं होता। इसको लेकर आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये मेडिकल हम लोग मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत आ गया है अब ये हॉस्पिटल मेल और फीमेल, तो प्रिंसिपल का बिहेवियर बहुत ज़्यादा ख़राब है, कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रही है और सारे आके मेरे पास रोते हैं जबकि मैं कुछ कर भी नहीं सकती, मैं कहती भी हूँ तो वो कभी नहीं मानती है उसको कि भाई इसको ये परेशानी है इसको। महिला अस्पताल की अधीक्षक हैं जो उनकी सुपरिंटेंडेंट है और जो पूरे ज़िले की जो प्राचार्य महोदया हैं आपस में चीज़ों को लेकर के विभेद है। यहाँ पर सही प्रकार से व्यवस्थाएं स्थापित न होने के कारण मैम के द्वारा कई बार निर्देशित किया गया है, उस चीज़ों को लेकर के आपस में डिस्प्यूट है और दोनों लोगों को बता दिया गया है कि जो अपनी परिधि में है उस हिसाब से अपनी कार्य करें और कोई अमेठी में मनोज मुथशेर के बयान के बाद से कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन से नाराज व्यापारी नेता जिला पंचायत अध्यक्ष अमेठी के प्रमुख उद्योगपति राजेश अगहड़ी ने नेतृत्व में अमेठी के गांधी चौक में बीजेपी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों ने प्रदर्शन कर कांग्रेस का विरोध जताया है। ये मनोज मुंदसिर के पक्ष में और विदेशी विचार के पोषक चंद बचे खुचे कांग्रेसियों ने जो कुकृत किया उससे अमेठी की जनता लज्जित है। अमेठी मनोज मुंदसिर अमेठी के लाल हैं और देश की धरोहर हैं और पद्म भूषण से विभूषित हैं। मैं समझता हूँ कांग्रेसियों को इससे सबक लेना चाहिए। और चले आगे बढ़ते हैं। श्रावस्ती में 3 दिन पहले हुई महिला के हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। महिला की ईंट से कुचलकर हत्या की गई थी। महिला के चेहरे और सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं। वही मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम और साथ ही पुलिस ने जांच कर साक्ष्य जुटाए थे और वहां मामले की जाँच कर स्थानीय थाना पुलिस और साथ ही क्राइम ब्रांच टीम कर रही थी। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है कि महिला की हत्या मृतका के जेठानी के भाई ने की थी। वही एसपी अरविंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया है। वहीं गोरखपुर में वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए एसएसपी ने स्थानीय पुलिस और साथ ही स्वैट टीम के ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने और साथ ही वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश करने के लिए निर्देशित किया है। टीम लगातार वाहन चोर गैंग को पकड़ने में लगी हुई है, जिसको लेकर टीम के हाथ सफलता लगी है। वहीं टीम ने एक वाहन चोर गैंग के आपको बता दें कि सरगना सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर चोरी किए गए 11 मोटरसाइकिल को बरामद किया है। साथ ही बता दें कि मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी थी कि 4 व्यक्ति चोरी के लिए 2 मोटरसाइकिल लेकर कुरी बाजार से शकरपुर की तरफ आ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई में लग गई। इस दौरान 6 अंतर्राज्यपतीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही चोरों से गिरफ्तार किया गया है और इसकी निशानदेही पर पुलिस ने अलग अलग जगहों पर चोरी किए गए 11 मोटरसाइकिल को बरामद कर लिए हैं। आज थाना बेलघाट और क्राइम ब्रांच की पुलिस को सफलता मिली है। गोरखपुर के बेलघाट और उसके आसपास तथा संत कबीर नगर के क्षेत्र में 22 चोरों को पकड़ने में, ये हमारी टीमें इस दिशा में उसी क्षेत्र में रेकी कर रही थी कि 2 बाइकों पर 4
वाहन चोर, ये बेलघाट क्षेत्र की तरफ से शंकरपुर से संत कबीर नगर की ओर जाने की फिराक में थे। हमारी टीम ने इन्हें घेर घार के जब पकड़ लिया, ये दोनों मोटरसाइकिलें चोरी की निकली। जब इनसे पूछताछ हुई तो पता चला कि इनके गैंग में 6 सदस्य हैं और इनके पास और भी गाड़ियां चोरी के भी इन्होंने छिपा के रखी। गोंडा में किराए को लेकर ऑटो चालक और पैसेंजर भिड़ गए हैं, जिसके बाद से दोनों के बीच जमकर लाते घूसे चली है। बताया जा रहा है कि दोनों में मारपीट कराने को लेकर किराए के पैसे को लेकर हुई थी। वही मामले को बढ़ता देख आसपास के लोग झगड़ा को छुड़वाने में लग गए। वही घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पूरा मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के रोडवेज चौकी के पास का बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में मैलानी से नानपारा जा रही पैसेंजर ट्रेन में जीआरपी सिपाही ने एक यात्री को गोली मार दी है, जिसके बाद से युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने सिपाही अमित को हिरासत में ले लिया है। मामला थाना मैलानी जीआरपी का बताया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मयंक जुड़ गए हैं। मयंक, जिस तरीके से लखीमपुर खीरी से यह मामला सामने आया है, जीआरपी सिपाही ने एक यात्री को गोली मार दी है, इस मामले को लेकर अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जी मैडम, पुलिस अधीक्षक खीरी ने तत्काल सिपाही की गिरफ्तारी करवा ली है और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है, जाँच चल रही है, कई टीमें बनाई गई जाँच के लिए। सिपाही ने भी एक आरोप लगाया है कि वो आरोपी सिपाही का लाइसेंसी पिस्टल छीन रहा था, जिसको लेकर के सिपाही से धोखे से गोली चली है। लेकिन कहीं ना कहीं सिपाही ये बनावटी बातें बता रहा है और चलती ट्रेन में उस युवक को गोली मार दी। इलाज के दौरान उसकी घटना स्थल पे ही मौत हो गई। मैं इस दौरान इस मामले को लेकर पुलिस का और क्या कुछ रुख रहा है? पुलिस ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी थोड़ा साइको टाइप का है, जिसका नेचर भी कुछ सनकीला टाइप का बताया जा रहा है। उसी के चलते तय में उसने गोली चलाई, जो गोली युवक के लगी उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। ये जीआरपी सिपाही जो है, जिसके हाथ से गोली चली है, आप बता रहे हैं ये साइको है शायद, लेकिन इस तरीके को मतलब अगर वो बीमार है तो फिर उसे वो अभी भी सिपाही के पोस्ट पर क्यों है, जिसके वजह से एक जो यात्री है उसको उसकी मौत हो गई है, तो अगर वो साइको है तो वो अभी भी इस पोस्ट पे क्यों है? क्योंकि जीआरपी जो सिपाही होते हैं उनके तमाम तरह के टेस्ट करवाए जाते हैं और उसके बाद से वे अपने पोस्ट पर निर्धारित होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जीआरपी पर भी सवाल खड़े करता है। देखिए मैडम, आदमी का किस टाइम मूड किस तरीके से बदल जाए पता नहीं। इसके पूर्व में 10 साल पहले भी जीआरपी के सिपाहियों द्वारा एक दंपति युवक की हत्या की गई थी, पति पत्नी की, साइकिल से उनको गिरा के मारा गया, जिसमें पत्नी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी, पति की इलाज के दौरान मौत हो गई। आज ठीक 10 साल बाद फिर वही किस्सा जनपद खीरी में दोहरा गया और चलती ट्रेन में जीआरपी के सिपाही ने एक युवक पे फायर कर दी। और उधर सिपाही का आरोप ये भी है, जीआरपी के जो कमांडेंट है उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि सिपाही का पिस्टन छीन रहा था, उस छीना छपटी में एक दूसरे के बीच जब हाथापाई हुई तो उसमें धोखे से गोली चली है। चलिए मयंक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जनपद की थाना डिलाड़ी पुलिस ने एक अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा और कार्रवाई करते हुए 2 हिस्ट्री शीटर को सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। उसके पास से कई अवैध तमचे और भारी मात्रा में तमंचा बरामद हुआ है। साथ ही बता दें कि पुलिस की पूछताछ में इन लोगों ने बताया है कि ये लोग उत्तराखंड और आसपास के जनपदों में अवैध हथियार सप्लाई करने का काम करते थे। पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जनपद मुरादाबाद पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा था अवैध शस्त्र और तमंचा बनाने वालों के विरुद्ध। इस अभियान के अंतर्गत आज
मुरादाबाद के डिलाई थाना थाना एस एच थाना जो इंचार्ज हैं उनके उनके द्वारा आज जो सुबह अभियान चलाया जा रहा था उसमें दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए और दो व्यक्तियों से जब पूछताछ की गई तो और उनकी तलाशी ली गई तो उनसे तमंचे बरामद हुए। जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा इस तरह के शस्त्र बनाए जाते हैं अवैध तमंचे। तो फिर जब इनकी निशानदेही पर जब हम गए तो वहाँ पे पूरी फैक्ट्री इसको शस्त्र तमंचा बनाने की बरामद हुई और उसके अंतर्गत हमें दो तमंचे 12 बोर, एक तमंचा 12 बोर, एक अर्धनिर्मित 12 बोर तमंचा बरामद हुआ। उसके साथ ही जो ये तमंचे बनाए जाते हैं उसके उपकरण भी सारे मिले। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वॉल इंडिया। नमस्कार।